नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, शुरुआती अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको पांच बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया को आप जान के अगर आप शुरू करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसा ही तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, अब आपको बताते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कम पैसों में। जो मैं पहला बिजनेस आपको बताने वाला हूँ, बकरी पालन। तो दोस्तों देखिए, इस व्यवसाय को आप शुरू करने के लिए आपका जो खर्च है वो कम आएगा दोस्तों, और आप इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुखरी, जखराना जैसी नस्लों की बकरियां दूध के लिए और असम हिल गोट, बंगाल गोट जैसी नस्लों की बकरियां मीट के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, अगर आप इस नस्लों की बकरियां आप अपने बिजनेस में लाते हैं, अगर आप बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बकरियां आपको इस नस्ल की ले लेना है और आपको इस नस्ल की बकरियों से बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। तो चलिए, मैं आपको दूसरा बिजनेस बताने वाला हूँ, वो भी आप बिजनेस को कम पैसों की लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो दूसरा बिजनेस का नाम है, ग्रोसरी शॉप। दोस्तों देखिए, आप अपनी ग्रोसरी शॉप में आटा, चावल, दाल, चीनी, मसाले, नमकीन, बिस्किट जैसे सामान रख सकते हैं, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक भी, अगर आप सीजन के हिसाब से, जैसे आप गर्मी में कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक की, दूध, ब्रेड, फिनाइल, साबुन आदि भी रखकर आप अपने ग्रोसरी के दुकान में बेच सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो दोस्तों आप बेहिचक आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो तीसरा बिजनेस बताने वाला हूँ, अगर आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपकी इसमें कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हालाँकि यह है यूट्यूब चैनल, यह बिना किसी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना एक यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं और आप डेली एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। जिस भी आप कैटेगरी में वीडियो को पोस्ट करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी में वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहुत ही आज के समय में एक अच्छा बिजनेस की तरह हो गया है। अगर आप इसमें नियमित काम कर सकते हैं तो दोस्तों आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो चौथा बिजनेस है और वो बिजनेस हैडमेड आभूषण बनाना। दोस्तों देखिए, महिलाएं हैंडमेड आभूषण बनाती हैं और इससे अच्छा पैसा कमाती हैं। दोस्तों आज के समय में यह जो महिलाएं हैं, हैंडमेड जो होता है हाथ से बनाया हुआ आभूषण, बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं और यह मार्केट में इसका डिमांड भी है। तो दोस्तों, अगर आप हैंडमेड आभूषण बनाना चाहते हैं, जैसे आप होता है महिलाओं के लिए माला हो जाता है, बहुत तरीके के इसमें आप हैंडमेड आभूषण बनता है। दोस्तों आप इस बिजनेस को भी कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसे आभूषण को हैंडमेड बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों यह भी एक अच्छा बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो लास्ट बिजनेस है और मैं इसको बता देता हूँ कि उपहार और कार्ड बनाना। तो दोस्तों देखिए, यह जो बिजनेस है उपहार और कार्ड भी आज बाज़ार में बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप कार्ड बनाना जानते हैं, जैसे कि शादी विवाह होता है दोस्तों, इसमें आपको कार्ड प्रिंटिंग होता है, दोस्तों आप कार्ड को प्रिंट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि या जब सीजन में किसी का शादी विवाह पड़ता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कार्ड छापा जाता है, जैसे कि प्रिंटिंग कहते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत बड़े पैमाने पर भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं पांचों बिजनेस बताया हूँ, ये मार्केट में काफ़ी अच्छा चलता है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं इन आइडियाज़ को बताएँ, जो कम लागत में शुरुआत करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, हालांकि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।